सो हे वर आप यूट्यूब, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि मेरा रिम कवर्स के तो मैंने स्टिकरिंग करवा दी थी, रैपिंग करवा दी थी पूरी, बट वो फिट नहीं हो पाए। सो ये नेक्स्ट डे है तो अभी जाके मैं फिट करवाऊंगा इनको, होपफुली आज हो जाना चाहिए ये फिट। सो जहाँ पे मैंने ये फिट करवाना है वो शॉप मेरे घर के पास ही है, वहाँ पे जाके मैं करवाऊंगा इसको। बहुत अच्छी वीडी थी ये, बस मेरे को कुछ और नहीं चाहिए, बस लुक अच्छी लगनी चाहिए, बाकी सब तो ठीक है, लुक अच्छी सेक्सी आ गई तो बस वही है, और तो सब बढ़िया है। एंड लगा के मैं आपको बताता हूँ कि कैसा लगेगा ये शॉप। ओ शिट यार, ये तो गिर गए कहीं। शिट मैन, शिट, मैंने वो पीछे बंजी गोट से लगाए हुए थे और वो गिर गए कहीं। शिट शिट शिट, ये पड़े हैं पीसेस के यार। शिट मैन, टूट गए। शिट ब्रो, अरे यार, एक पीस ये है, एक पीस ये है। फक मैन, जस्ट फक्ड अप। क्या यार, इतनी मेहनत से बनाए थे मैंने, फक्ड। इतनी स्पीड में था कि इसके वो पड़े हैं पीसेस उड़ उड़ के, पता नहीं कहाँ कहाँ गिरे हैं यार। चलो कुछ नहीं है, चलता रहता है ये सब कुछ। एक पीस ये पड़ा है, दूसरा कहाँ होगा, आई होप वो फुल पीस पे हो तो ठीक है, इधर भी नहीं है। चलो कोई नहीं यार, नया बना लूँगा मैं। बट सीरियसली मैंने इस पर बहुत अच्छा काम किया था, अच्छे से फिनिशिंग वगैरह दी थी इसको, एंड मेहनत भी बहुत की थी यार इसको बनाने में मैंने, एंड रैप वगैरह में भी काफ़ी टाइम वेस्ट किया था मैंने अपना, अब कह सकते हैं टाइम वेस्ट, क्योंकि लगा नहीं है यार ये। और ये मेरे को बहुत प्यारी लगती थी अपनी बाइक पे, काफ़ी टाइम हो गया है इसको भी विदाउट रिम कवर। सो एनीवेज ढूंढता हूँ मैं, मिलता है मेरे को तो, सारा मूड ही ऑफ हो गया मेरा बताया ये देखने के बाद। आई होप ये रिकॉर्ड कर रहा हो गोप्रो, बट एनीवेज अब मैं फिर बनाऊँगा इसको, मूड ऑफ करने से तो कुछ होने नहीं वाला यार। पर दूसरा पीस कहाँ गया, पहले तो बाइक की चाबी लेता हूँ यार, इसको ना ले जाएगा यहाँ से, ढूंढना तो पड़ेगा बॉस, ढूंढना तो पड़ेगा। अगर वो मेरे को एक सिंगल पूरे पीस पे मिल गया ना तो फिर मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने के लिए। मैंने हर एक जगह ढूंढ लिया, वो मेरे को कहीं भी नहीं मिल रहा है वो, पता नहीं शायद बाइक ज़्यादा स्पीड में थी तो वो रोल होता हुआ कहीं चला गया है, बट मैंने सारी जगह देखा पर इस एरिया में नहीं है। बट यार सही में ना मूड ऑफ हो गया है, कितना हार्डवर्क लगता है इनको बनाने में, इतने प्यार से इसकी रैपिंग करवाई थी, टेपिंग करवाई थी, बट एनीवेज अब क्या ही कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे फेंक नहीं सकता कहीं, आई हैव टू कैरी इट। लाइफ में ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जिससे दिमाग ख़राब होता है थोड़ा बहुत, थोड़े दिन के लिए बुरा लगता है, फिर इट्स ऑल गुड। भाई यार ये ढूंढ रहा था, गिरा है, हाँ में तो नहीं, था। नहीं नहीं बस ये गिरे थे यार, यहाँ पे लटकाए थे ना मैंने। अच्छा। डिस्क से होगी, गोल सी एक। ये भाई वो मेरा दोस्त खड़ा है ना वहाँ पे, वो देखो स्कूटी के पास दिख रहा है आपको बंदा, हाँ 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 हाँ, बोल रहा था कुछ सामान पीछे शायद गिरा हुआ उस साइड। यार क्या गिरा दिया होगा बंदा, बड़ी देर से ढूंढ रहा है, बोलता शायद बैग जैसा कुछ पीछे साइड को गिरा था शायद, बोला ना बैग तो नहीं है, बैग जैसा उसने बोला, पता नहीं कुछ उड़ के गिरा था बोला। हाँ चलो वो वहाँ पे बोल रहे हैं कुछ गिरा हुआ है तो उस साइड देखते हैं। अब चाबी कहाँ गई यार बाइक की, इतने दिन से एक्साइटेड था ना मैं इनको लगाने के लिए, और जितनी एक्साइटमेंट होती है ना लाइफ में उतना ही कचड़ा होता है फिर। भाई आपने देखा था, वैसे तो मेरे को पूरा भरोसा है, पता नहीं होगा यार, वो जिस हिसाब से बाइक स्पीड में थी ना, आई थिंक 80-90 की स्पीड भी होगी बाइक, तो कहाँ बचेगा वो। मैं तो छोड़ने लगा था बट सही टाइम पे बंदा आ गया, उसने बता दिया मेरे को कि वो पड़ा है, वो पड़ा है, वो टूट गया ये। या आई थिंक टूटा नहीं होगा, कोई गाड़ी वगैरह चढ़ गई होगी इसके ऊपर। देखो कैसे गाड़ियाँ चढ़ रही हैं यार, बट इट्स ओके, होता रहता है लाइफ में। एक पीजिए पड़ा यार, थैंक यू। इसको कैसे लेके जाऊँ मैं, यहाँ पे बांध देते क्योंकि यहाँ पे फेंकना ठीक नहीं रहेगा इनको, ये डिस्पोजेबल नहीं है एक तो,
डस्टबिन में फेंकता हूँ कहीं इनको मैं। और भैया कैसे हो? हाँ ये यार प्लास्टिक का था, बाइक से निकल के गिर गया नीचे, टूट गया सारा। ये फेंक दो यहाँ पे आपके डस्टबिन में। ये थोड़ा अच्छा रहता है, बैलेंस ठीक रहता है ना बाइक का। हाँ दोनों साइड के, सारी मेहनत खराब होगी। बांधे तो थे ना ये, हवा से गिर गए तो अब नए बनाऊंगा फिर से। यहाँ पे रुक के मैंने आपको दिखाना था कि यार इस टाइम क्योंकि लाइटनिंग बहुत अच्छी रहती है, सनसेट का टाइम रहता है पूरा, बाइक पे लाइट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और साथ में व्यू भी बहुत प्यारा है। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा मैंने स्टार्ट भी यहीं से किया था, यहाँ पे ही रिव्यू करवाना था मैंने कैसे लग रहा है वो नया पैटर्न। फक ऐसा कुछ नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में इतना नहीं घुसाना चाहिए कि तुम्हारा सारा मूड स्पॉइल हो जाए। बट मैं कोशिश करूँगा इसको नई बनाने की एज सून एज पॉसिबल। सो बस फिर नया मैं बनाता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में बनाता हूँ कुछ और, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट ब्लॉग में डाल दूंगा ये वाला, क्योंकि इसको ख़रीदने में ये आसानी से मिलता नहीं है इतना सा पीस, और डायमेंशंस वगैरह ले के इसको पूरा बनाना, कटिंग वगैरह, ओ माय गॉड पूछो मत कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। सो यार तब तक बस इतना ही था, अभी देखता हूँ मैं अपने अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाऊँगा कहीं राइड वगैरह पर, तो वो आगे आपको पोस्ट करता हूँ मैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। All the wish. Hello. सर तो मैं निकल गया हूँ, ठीक है यहाँ से, ठीक है आ जाओ ना, ठीक है मैं मिलता हूँ आपको। सो बस अभी मैं धर्मशाला आया हूँ दिवेश से मिलने, उससे मिल लेता हूँ, घर जाके तो करूँगा अभी क्या, यहाँ से देखते हैं कहाँ जाते हैं वही बताएगा, या फिर यहाँ पे लोकल ही घूमेंगे कहीं। व्यू देखो कितना प्यारा है यार, वो यहाँ पे सामने ना पैराग्लाइडिंग हो रही है, ओप्रो में तो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वाइड एंगल है इसका, काफ़ी सुंदर लोकेशन है ये भी धर्मशाला की। ये अच्छी बात लगती है मेरे को, आप कहीं भी चल जाओ ना हर एक प्लेसेस से अलग अलग आपको व्यू दिखेगा हर जगह से। हाँ जी वीरे की हाल चाल, फिर सीन क्या बताओ। तो जो अभी मूड स्पॉइल हुआ है उसको ठीक करना है मूड, हाँ यहाँ से लेते हैं, और जो मूड स्पॉइल हुआ है ना उसका डोज हमें यहीं मिलेगा। कौन सी? हाँ दो ले लो, ये दो ही है ना। सो पहले यहाँ पे इंद्रनाग में, एक तो यहाँ पे चढ़ाई बड़ी होती है, मेरे पीछे दिवेश बैठा था पहले, अनकंफर्टेबल टाइप हो जाता है यार आरसी में ना, क्योंकि सारा कभी उतराई आती है कभी चढ़ाई आती है, तो सारा बॉडी वेट मेरे हाथों पे आ जाता है, और पिछला बंदा भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होके बैठा होता है। सो उन्होंने अब ड्यूक पे स्विच कर लिया है, और व्यू तो आप देख ही सकते हैं कैसा है नीचे। बस यही चाहिए होता है यार, ऐसा भी आपके पास मूड हो ना, चाहे वो ख़राब हो चाहे वो ठीक हो, अगर जब तक ये बाइक आपके पास है ना RC 390 और ऐसा व्यू है और ऐसी जगह है तो और कुछ नहीं चाहिए होता, मिलियन डॉलर व्यू है ये, जैसा भी मूड हो आपका सारा ठीक हो जाएगा यहाँ पे आके। अब एक ऊपर साइड कैफे है, यहाँ से उस साइड जा रहे हैं, वहाँ पे बैठेंगे। ये वो कैफ़े है जिसकी बात कर रहा था मैं, ये कैफ़े देखो कितना प्यारा सा है, पूरे जो जितनी भी सीनरी है पूरा सेंटर में आके बनाया हुआ है, ये छोटे छोटे से बेंच लगाए हैं और ये सारा व्यू है, जस्ट लुक एट इट। छः बजे का टाइम है, 6:30 हो गए होंगे, सेट हो रहा है पूरा, इस टाइम पूरे एंजॉय करके आए हैं हम ऊपर साइड, बस यहाँ से अब सीधे डायरेक्ट निकलेंगे नीचे साइड। तो यहीं पे मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, आई होप यू लाइक इट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। बाय।